उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद एवं मुंडा पांडे थाना इलाके के दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे के दलपतपुर में उस समय हड़कंप मच गया जब एक ट्रक ने अचानक ब्रेक लगा दिए। अचानक ब्रेक लगाने के कारण भयंकर हादसा हो गया। हादसे में पीछे से आ रहे तेज रफ्तार में ट्रेवलर अनियंत्रित होकर ट्रक में जा घुसी, जिसमें हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और बाकी ट्रेवलर में बैठे लोगों की मामूली चोटें आई हैं। स्थानीय ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद ट्रेवलर में फंसे लोगों को रेस्क्यू करके बाहर निकाला। घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है, जो घायलों का उपचार डॉक्टर्स द्वारा किया जा रहा है। ये दलपतपुर के पास में है, कलिंगा ऑक्सीजन गैस प्लांट। तो सर ये एक्सीडेंट किस किस चीज में एक्सीडेंट हुआ है और कितने लोग घायल हैं? ये कैंटर है गाड़ी, कैंटर गाड़ी खड़ी हुई थी दरअसल में। पीछे से एक मिनी बस जो होती है वो दिल्ली से आ रही थी और हाथरस जाना था उसे। उसकी स्पीड रही होगी लगभग, जैसे हम कंडीशन देखी है हादसे की, 100-125 की स्पीड से चल रही होगी वो। जैसे ही वो इसमें टकराई, वो पीछे से कंडक्टर सीट सारी उखड़ती चली गई। उसमें जो भी लोग थे उसमें फिर कितने लोग घायल हैं इसमें सर? इसमें मैन तो मुख्य रूप से जो अधिक घायल हैं, 2 लोग घायल हैं। उपचार के लिए कहाँ भेजा गया? उपचार के लिए ना जिला अस्पताल भेज दिया गया है। सभी को निकाल कर रेस्क्यू करके बहुत जल्दी, और यहाँ से जो हमारी इस हाईवे पे जाम की स्थिति बनी, उसे खुलवा के रेस्क्यू करके उन्हें गाड़ी से निकाल के वहाँ पे भेज दिया जिला अस्पताल।